वैद्यनाथ मंदिर में भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक पवित्र शिवलिंग विराजमान है, जो झारखंड के देवघर में स्थित है। इस जगह को लोग वैद्यनाथ धाम के नाम से भी जानते हैं। यह ज्योतिर्लिंग एक सिद्धपीठ है और कहा जाता है कि यहाँ पर आने वाले भक्तों की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। इसी कारण इस लिंग को कामना लिंग भी कहा जाता है। पुराणों के अनुसार सावन के महीने में भगवान शिव के आराधना का सबसे उपयुक्त समय बताया गया है। इस पावन सावन के महीने में लाखों श्रद्धालुगण 105 किलोमीटर दूर सुल्तानगंज से जल भरकर कांवर के जरिए बाबा वैद्यनाथ का जलाभिषेक करते हैं और उनकी कृपा प्राप्त करते हैं। वैद्यनाथ धाम में स्थित शिवलिंग की कहानी इतनी पौराणिक और दिलचस्प है कि आप भी इस पावन धाम का दर्शन करना जरूर चाहेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजीव और आप देख रहे हैं भारत दर्शन। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बाबा वैद्यनाथ धाम मंदिर से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बातों को और साथ ही साथ इस पवित्र शिवलिंग की पौराणिक कहानियों को भी बताएंगे। इस ज्योतिर्लिंग के पीछे की यह मान्यता है कि राक्षस राज रावण कैलाश पर घोर तपस्या के बाद भगवान शिव के इस पवित्र शिवलिंग को प्राप्त किया था। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहाँ पर भगवान शिव और शक्ति एक साथ विराजमान है। पुराणों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र के प्रहार से माँ शक्ति के हृदय का भाग यहीं पर कट कर गिरा था। वैद्यनाथ दरबार माता शक्ति के 51 शक्तिपीठों में से एक है और कहा जाता है कि शिव और शक्ति के इस मिलन स्थल पर ज्योतिर्लिंग की स्थापना भी खुद देवताओं ने की थी। वैद्यनाथ धाम के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर मांगी गई मनोकामना जरूर पूर्ण होती है। भगवान श्री राम और महाबली हनुमान जी ने भी श्रावण के महीने में यहाँ कांवर यात्रा भी की थी। वैद्यनाथ धाम में स्थित भगवान भोले शंकर का ज्योतिर्लिंग यानी शिवलिंग नीचे की तरफ दबा हुआ है। शिव पुराण और पद्म पुराण के पाताल खंड में इस ज्योतिर्लिंग की महिमा गाई गई है। मंदिर के निकट एक विशाल तालाब है। बाबा वैद्यनाथ का मुख्य मंदिर सबसे पुराना है, जिसके आसपास और भी अनेकों मंदिर बने हुए हैं। भगवान भोलेनाथ का मंदिर और माता पार्वती जी के मंदिर एक साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि के 2 दिन पूर्व बाबा भोलेनाथ मंदिर और माँ पार्वती और लक्ष्मी नारायण मंदिर के पंचशूल उतारे जाते हैं। इस दौरान पंचशूल को स्पर्श करने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है। दोस्तों, यह तो थी कुछ रोचक बातें बाबा वैद्यनाथ धाम के बारे में। चलिए अब बात करते हैं बाबा वैद्यनाथ धाम में स्थापित पवित्र शिवलिंग से जुड़े पौराणिक कहानियों के बारे में, जो बहुत ही दिलचस्प है। पौराणिक कथाओं के अनुसार दशानन रावण भगवान शिवशंकर को प्रसन्न करने के लिए कैलाश पर्वत पर घोर तपस्या कर रहा था। वह एक एक करके अपना सर शिवलिंग पर चढ़ा रहा था। 9 सर चढ़ाने के बाद जब रावण अपना 10वां सर काटने ही वाला था, तब भोलेनाथ प्रसन्न होकर रावण को दर्शन दिए और उनसे वर मांगने को कहा। रावण को सोने की लंका के अलावा तीनों लोकों में शासन करने की शक्ति तो थी ही, साथ ही साथ उसने कई देवता यक्ष और ऋषि मुनि को भी कैद करके लंका में रखे हुए था। इसी वजह से रावण ने यह इच्छा जताई कि भगवान शिव भी कैलाश छोड़कर लंका में ही रहे। इसलिए रावण ने भगवान शंकर से कामना लिंग को ही लंका जाने का वरदान मांग लिया। शिव जी ने अनुमति तो दे दी, परंतु साथ में एक चेतावनी भी दी कि यदि वह इस कामना लिंग को पृथ्वी के मार्ग में कहीं भी रख देगा तो वह वहीं पर अचल होकर स्थापित हो जाएगा। महादेव की इस चेतावनी को सुनने के बावजूद भी दशानन रावण इस कामना लिंग को अपने नगरी लंका ले जाने के लिए तैयार हो गया। इधर भगवान शिव के कैलाश छोड़ने की बात सुनते ही सभी देवता चिंतित हो गए। इस समस्या के समाधान के लिए सभी देवता विष्णु के पास गए। तब श्रीहरि ने अपनी लीला रची। उन्होंने वरुणदेव को आचमन के जरिए रावण के पेट में घुसने को कहा। जब रावण आचमन करके शिवलिंग को लेकर लंका की ओर चला तो उसे देवघर के पास लघुशंका लग गई। शिवलिंग को हाथ में लेकर लघुशंका करना उसे उचित नहीं लगा।
इसलिए उसने अपने आसपास देखा कि कहीं कोई मिल जाए जिसे वह शिवलिंग थमाकर लघुशंका कर सके। कुछ देर के बाद ही उसे एक ग्वाला नजर आया जिसका नाम बैजू था। कहते हैं उस बैजू नाम के ग्वाले के रूप में भगवान विष्णु वहां आए थे। रावण ने उस ग्वाले से कहा कि वह शिवलिंग को पकड़ कर रखे ताकि वह लघुशंका से मुक्त हो सके, और साथ ही साथ उसने यह भी कहा शिवलिंग को भूल से भी भूमि पर मत रखना। रावण जब लघुशंका करने लगा तब उसी लघुशंका से एक तालाब बन गया। लेकिन रावण की लघुशंका समाप्त नहीं हुई। ग्वाले के रूप में मौजूद भगवान विष्णु ने रावण से कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है, अब मैं और शिवलिंग उठाए खड़ा नहीं रह सकता। इतना कहकर उसने शिवलिंग को भूमि पर रख दिया। इसके बाद रावण की लघुशंका भी समाप्त हो गई। जब रावण लौट कर आया तो वह अपने लाख कोशिश के बावजूद भी उस शिवलिंग को उठा नहीं पाया। तब उसे भगवान की लीला समझ में आ गई और तब रावण क्रोधित होकर उस शिवलिंग पर अपना अंगूठा दबाकर वहां से चला गया। उसके बाद ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं ने आकर शिवलिंग की पूजा की और शिव जी के दर्शन होते ही सभी देवताओं ने शिवलिंग की उसी स्थान पर स्थापना भी कर दी, और तभी से महादेव कामनालिंग के रूप में देवघर में विराजते हैं। दोस्तों, बाबा वैद्यनाथ धाम की जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताइए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।